अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बैसाखी के त्यौहार पर भारत से ननकाना साहब आए सिख यात्रियों का सेफ सिटी अथॉरिटी ननकाना का दौरा। मेहमान यात्रियों को सेफ सिटीज दफ्तर का विजिट करवाया गया और कैमरों से मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए गुरुद्वारों और शहर की सिक्योरिटी मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। रवांडा नेशनल पुलिस के आला अफसरान की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। रवांडा और पंजाब पुलिस के माबेन सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बाहमी तालुकात और तावुन को फरोग देने बारे तबादला ख्याल। बागवानपुरा में पुलिस मुकाबला, कांस्टेबल इमरान हैदर शहीद, हेड कांस्टेबल दिलदार शदीद जख्मी, दो डाकू जहन्नम वासल। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का डाकुओं से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले कांस्टेबल इमरान हैदर को खराज तहसीन। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 81,678 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 4,256 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया जबकि 52,541 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,066 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,211 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। ज़मीनी इंतखाबात एक दिन की दूरी पर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी फील्ड में मुतहर्रिक। यूईटी समेत आरओ दफातर और पोलिंग स्टेशंस का दौरा और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। बैसाखी के त्यौहार पर भारत से ननकाना साहब आए सिख यात्रियों ने पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का बेहतरीन इंतजाम पर शुक्रिया अदा किया। सिख यात्रियों ने सेफ सिटीज अथॉरिटी ननकाना का दौरा भी किया। भारत से आए सिख यात्रियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जदों भी इतने आए हैं असी वेख्या इतने ननकाना साहब की जी सिक्योरिटी है, जी पुलिस व्यवस्था है, ये नंबर वन वर्ल्ड विच है। जो सिस्टम हैगा इन्हां दा वह दिखाया तो वह देख के इंज लगता है कि असी ना ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। रवांडा नेशनल पुलिस के आला अफसरान ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। रवांडा और पंजाब पुलिस के माबेन सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बाहमी तालुकात और तावुन को मजीद फरोग देने बारे तबादला ख्याल किया गया। पंजाब पुलिस रवांडा पुलिस को पुलिसिंग, आईटी, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भरपूर मावनत फ्राहम करेगी। रवांडा पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस्तदादे कार के शोबों में जिद्दत से हमकनार होने के लिए पंजाब पुलिस के तजुर्बात से इस्तफादा की ख्वाहिशमंद है। रवांडा पुलिस अफसरान की तरफ से पंजाब पुलिस के माहरीन को रवांडा के दौरे की दावत भी दी गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रवांडा पुलिस वफद को पंजाब पुलिस डैशबोर्ड की वर्किंग मॉनिटरिंग सिस्टम बारे भी आगाह किया। बागवानपुरा में पुलिस मुकाबले के दौरान कांस्टेबल इमरान हैदर शहीद, हेड कांस्टेबल दिलदार शदीद जख्मी हो गए, दो डाकू भी जहन्नम वासिल हुए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डाकुओं से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले कांस्टेबल इमरान हैदर को खराज तहसीन पेश किया और जख्मी हेड कांस्टेबल दिलावर की बेहतरीन निगहदाश्त और जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम की हदायत भी की। आईजी पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल इमरान हैदर की लाजवाब कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। शहीद के अहले खाना के बेहतरीन वेलफेयर महकमे की जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल इमरान हैदर जैसे 1600 से जायद शहदा, 1700 से जायद गाजियों की अमीन फोर्स है। आईजी पंजाब ने डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर को जख्मी होने वाले हेड कांस्टेबल दिलावर की बेहतरीन निगहदाश्त और जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम की भी हिदायत की। महकमे मौसमियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, देखिए इस खसूसी रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 78 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 88, पंजाब यूनिवर्सिटी 102 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 80 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज की वजह बन रही है जिससे बचने के लिए हमें माहरीन सेहत की एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।